नमस्कार, मैं उमेश प्रताप। आज मेरे साथ देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता जी हैं और इनके कार्यों को देखते हुए 2015 में इन्हें रेमन मैगसेसे के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आपने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, खास करके उन क्षेत्रों को आपने चुना जो बहुत कम लोग इस सामाजिक क्षेत्रों में आते हैं। और आप एक कारपोरेट घराने की नौकरी को छोड़कर के भी इस क्षेत्रों में आए हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपने सामाजिक काम करने का जो संकल्प लिया, ये कैसे आपको प्रेरणा मिली और इन क्षेत्रों को आपने चुना? देखिए, मैं तो बहुत एक खूबसूरत आम ऑनेस्ट मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और इंजीनियर्स की फैमिली रही है हम लोगों की। और मैं जर्नलिज्म की तरफ मुड़ गया था और ये तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, बहुत मेरे जर्नलिज्म के दिनों में मुझे कपड़े का इशू कहीं समझ आया था अपनी कुछ स्टोरीज करते हुए, और मुझे लगा था कि ये बहुत ही इग्नोर्ड एक नीड है। हमारी बस जर्नी वहाँ से शुरू हुई, और क्योंकि एक एक जिद इस बात की थी कि हमको चैरिटी को बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि चैरिटी इंसान की डिग्निटी को, सम्मान को ठेस पहुँचाती है। तो इस तरीके से वो पूरा डिग्निटी फॉर वर्क, श्रम सम्मान का कार्यक्रम निकला, जो आज पूरे देश में देश के गांवों के विकास का कार्यक्रम है, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर सड़कों पर, पानी पर काम करते हैं। और जो समाज से इकट्ठा किया हुआ सामान होता है करीब 6,000 टन के आसपास, इस समय हर साल हैंडल कर रहे हैं, वो एक इनाम की तरह, रिवॉर्ड की तरीके से लोगों को दिया जाता है। तो मतलब पूरा कार्यक्रम ये है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कपड़ा इकट्ठा करके बांटने का काम करते हैं, हम वो नहीं करते हैं किसी भी हाल में, बिल्कुल एक अलग रूप में कर रहे हैं। हम लोगों के आत्मसम्मान के लिए काम कर रहे हैं। हम और हमने सीखा है, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ और कई बार ये कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान के गांव हैं वो शायद मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रहे हैं। कि जो जो किताबों में पढ़ा था वो भी खूबसूरत था, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कुछ अलग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब हम गांव में रहे, गांव में आज भी रहते हैं, घूमते हैं, वो एक पूरी अलग लर्निंग है। मतलब तो बस वो रोज वो जज्बा बढ़ता जाता है जब आप ऐसे खूबसूरत लोगों से मिलते हो जो ये जानते हो कि हर साल बाढ़ में रह के भी आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं, जो ये जानते हो कि कम रिसोर्सेज में जिंदगी कैसे मैनेज की जाती है, वो जो इस देश के सबसे बड़े इनोवेटर हैं, जो रोज नई दाल चावल आम की खोज करते हो, तो आप जब उनसे सीखना शुरू करते हो तो मुझे लगता है फिर कोई अंत नहीं है। तो गूंज अंशु, आज अंशु गुप्ता की पहचान जो है सो गूंज से है। गूंज आज जनता की आवाज़ बन गई है और खास करके जो है सो अभी कोविड-19 में आपने जो काम किया है, गूंज ने जो काम किया, आपकी पूरी टीम ने जो काम किया, वो कितना सुकून देता है। और जो काम आपने किया, वो जो उपलब्धियां मिली, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, काम हर हाल में सुकून देता है और काम जिद और बढ़ाता भी है, क्योंकि हम लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि बहुत खूबसूरत टीम जुटी और बहुत सारे लोग भी चारों ओर जुटे, वॉलंटियर के तरीके से वो सब हुआ है। लेकिन जहाँ एक तरफ वो काम सुकून देता है कि चलिए कुछ तो हुआ यहाँ पर, वहीं और जिद बढ़ती है कि नहीं, अभी बहुत करना बाकी है। और बहुत अच्छा होगा कि यदि ये आइडिया कॉपी हो, यदि आइडिया चोरी हो, जो भी जिस भी रूप में लोग इसको ले जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में इसमें से जो भी सही है, जो उनको अच्छा लगे वो उठा लें और करना शुरू करें। तो अभी जो अगली हम लोगों को लगता है कि हमारी जर्नी है वो ये है कि हम कैसे ये करें कि लोग इस आइडिया को और कॉपी और रेप्लिकेट करें और इसको और बढ़ाएं। और हम लोगों के लिए शायद सबसे बड़ा रिकॉग्निशन भी वही होगा कि कितने लोगों ने इस आइडिया को कॉपी या रेप्लिकेट किया, जी वो शायद सबसे बड़ा रिकॉग्निशन होगा। बाकी तो ठीक है, मतलब अच्छे अवार्ड और वो सबसे मिले हैं जिंदगी में और उनकी अपनी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि जो जो
जनता से प्यार मिलता है ना, जब आप कभी बिहार के गांव में कहीं निकलो या झारखंड में कहीं निकलो और कहीं यहाँ की गांव से आपको निकल के जब वो लोकल कोई मिठाई या लिट्टी मिलती है और आप उनके साथ मतलब आपको बैठा के अपने साथ खिलाना चाहते हैं लोग, मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड वो है। जो आप शहर में पले बड़े, आपने कभी ये सब चीज़ें सोची नहीं थी और वो ज़िंदगी यहाँ ले आई है, तो वो मज़ा आता है। मतलब तो वो बड़ा एक अलग हमें लगता है वो उपलब्धि है। झारखंड के कई संस्थाओं के साथ आप स्टेक होल्डर को बनाने के रूप में उसको जोड़ करके आप काम करने जा रहे हैं, क्या खास करके हजारीबाग में आपने बैठक भी की है, तो एनजीओ को जो आप जोड़े हैं, एनजीओ की टीम को बड़े जोड़े, तो किन क्षेत्रों को आपने यहाँ पर झारखंड में चुना है जिस प्राथमिकता उसे प्राथमिकता के दृष्टिकोण से लेकर काम करने जा रहे हैं? देखिए, एक तो हम आज देश के करीब 25-26 राज्यों में काम करते हैं और हमारा शुरू से मॉडल रहा है कि हम साथी संस्थाओं के साथ में ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि केरल के बैकवाटर की क्या स्थिति है, झारखंड में पानी कैसे लाया जा सकता है, इसकी बहुत सारी जानकारी लोकल संस्थाओं के पास होती है। वो दिन रात लगी होती हैं, उनका समाज से एक अलग जुड़ाव होता है, मुसीबत में समाज के साथ खड़ी होती है। और COVID-19 में तो एनजीओ सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका रही है, पूरे देश में सारे रिस्क लेके लोगों ने किस जिस तरीके से इस संकट में लगे रहे हैं उसमें एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हमने भी COVID-19 के टाइम में भी झारखंड की बहुत सारी नई संस्थाओं के साथ में काम करना शुरू करा। लगभग पूरे देश में पिछले एक साल के अंदर कोई 450 के आसपास पार्टनरशिप्स हुई हैं, जो एक बड़ा जंप था। और उसकी वजह यही थी कि नए नए क्षेत्रों में अचानक ऐसा हुआ था कि डिजास्टर पूरे देश में गया ना, डिस्प्लेसमेंट का और ये सब, तो आपको पूरे देश में कहीं ना कहीं काम करना था। हम लोग झारखंड में, हमारा जो मेन काम है, पिछले बहुत साल से काम है, उसमें हम लोगों ने पानी पर और लोकल सड़कों पर बहुत काम करने की कोशिश की है। और ख़ासतौर पर जो ड्रॉट वाले एरिया हैं या जहाँ पर पानी की कमी है, जिसमें हजारीबाग भी शामिल है, बोकारो शामिल है, उन सारे क्षेत्रों में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काम सिर्फ इन दो जिलों तक सीमित नहीं है, और भी फैला हुआ काम है। कोशिश ये रहती है कि जो डिजास्टर प्रोन एरिया है उसमें लगातार काम चलता रहे किसी भी हाल में, और दूसरा जहाँ पर भी हम लोग पानी पर बहुत काम कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ की जड़ में पानी है और इंडिया किसी भी हाल में एक ड्राई कंट्री नहीं है। इंडिया में पानी की कमी के इश्यूज नहीं है, पानी के मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। यदि हम पुराने जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे, चाहे वो पोखर हो, तालाब हो, किसी भी तरह के नहरें साफ की जा सके, नदियों पे काम किया जा सके, यदि हम वो कर जाते हैं और हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ हैंडपम्प पे ना रह के उसके बाजू के पोखर पे नजर जाती है, तालाब पे नजर जाती है, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे सारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो राहत का हो, चाहे वो मेंसुरल हाइजीन पर हो, हेल्थ से रिलेटेड, वो सब तो कर ही रहे। और जैसे ही अभी स्कूल खुलने शुरू होंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम स्कूल के लिए भी है, वो दोबारा से चालू हो जाएगा। अच्छा, गूंज संस्था पाली दफा एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के लोगों के बीच में गांव में जा रहा है जो सोच और विचार से भी जुड़ा हुआ है। जैसे एक कभी कोई संस्थाएं जो है सो किसी योजनाओं को लेकर जब भी बात होती थी बजट की बात होती थी कि क्या बजट इसका क्या बने, आपने उसको उसके स्वरूप को ही बदल दिया। अब तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो काम जो व्यक्ति करेगा और स्वयं का वो काम से जुड़ा हुआ है और उसको सम्मान मिलेगा और सम्मान के साथ वो काम करेगा, उस व्यक्ति से संबंधित या उस गांव की प्रगति होगी, ये सोच जो आपके पास आया। अधिकतर अभी तक जितनी भी संस्थाएं हैं या सरकार है या फंडिंग एजेंसियां हैं वो पैसा से जुड़ा हुआ, अर्थ से जुड़ा हुआ, आपने इस पूरे पैटर्न को बदल दिया, इस कैसे बने? देखिए, ये ना, जिस दिन हम लोग अपने दिमाग से एक डोनर और बेनिफिशियरी का शब्द हटा देंगे, जिस दिन हम ये कहेंगे कि हम डोनर हैं और सामने वाला बेनिफिशियरी, जिस दिन ये हम हटा देंगे और जिस दिन आप ये कहेंगे कि अल्टीमेटली कोई भी जो विकास का काम है वो साझेदारी से होता है, उसमें हर एक इंसान का अपना अपना योगदान है और योगदान सिर्फ पैसे का नहीं है, जिसके पास जो है उसको वो उस हवन में डालना चाहिए। तो यदि आपके पास श्रम है तो आप श्रम लगाइए,
आपके पास दिमाग है तो आप दिमाग लगाइए, आप योजना अच्छी बनाते हैं आप वो बना लीजिए। यदि हम सब लोग मिलकर काम करें तो बहुत कम रिसोर्सेज में बड़े काम किए जा सकते हैं। तो यदि गांव में एक बांस का पुल बनना है तो वो तो शायद कोई देश का आईआईटी नहीं सिखाता होगा, लेकिन गांव के जो लोकल लोग हैं उनको मालूम है कि वो पुल कैसे बनाया जाता है, बांस को कैसे छीला जाता है, काटा जाता है, किस चीज से बांस टिकेगा, उनको उस चीज की बेहतर जानकारी है क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां ये कर रही हैं। कुआं आप मतलब एक दौर था जब लोग नारियल को घुमा के पानी निकालते थे, आज भी निकालते हैं, लेकिन आज साइंस ये कहती है कि अनसाइंटिफिक है। और मैं ये कहता हूं कि कोई भी चीज जो साइंस प्रूव ना कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनसाइंटिफिक है, साइंस का भी तो फेलियर हो सकता है भाई। आज आपके पास मशीनें हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, तब भी फेल हो रहे हैं, तब भी गांव में कुएं नहीं है। और जिस जिस दौर में हमारे पास मशीनें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हर गांव में कुआं होता था, तो कोई तो विजडम होगी, कोई तो जानकार होगा। तो बस हम रिवाइव कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप खाली योजनाओं की वेट मत कीजिए, आप कम से कम कच्ची सड़क तो बनाइए, फिर पक्की सरकारी योजना में हो जाएगी, बट आप कच्ची सड़क तो बनाइए। आप ये तो कोशिश कीजिए कि गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, वो बह क्यों जाता है, ये तो हम खुद ही कर सकते हैं बस। अच्छा, तो लोगों को भी मजा आ रहा है क्योंकि पहली बार आपके सामने जाके कोई ये कह रहा है कि भाई आप लाभार्थी नहीं हो, आप तो दाता हो, आपके आपके पास तो बहुत हुनर है, आपके पास तो बहुत अकल है, मेरे तो खानदान में किसी को मालूम ही नहीं है कि कुआं कैसे खोदा जाता है, मैं कितना भी पढ़ के आ जाऊं तब भी नहीं मुझे मालूम पड़ेगा, बट आपको तो मालूम है। तो पहली बार शायद ऐसा हो रहा है हमारे, एटलीस्ट हमारी जिंदगी में जो हम जानते हैं, ऐसा नहीं बहुत सारे और संस्थाओं ने लोगों ने किया है, इसी तरीके से लोगों को भागीदार बनाया है, हम अकेले नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोगों की जिंदगी में हम ये पहली बार देख रहे हैं उन गाँव में होता हुआ कि कोई सामने वाला आपसे बाहर से आके पूछ रहा है कि जी समस्या है क्या, और इसका समाधान भी आप ही बताइए, हम बस आपके साथ खड़े होंगे। तो लोगों को मजा आ रहा है कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से आके कोई पानी निकालने का कोई सोल्यूशन थोप दिया कि जी हम तो यहाँ नहर बनाएंगे, ये तो यहाँ दोभा पे बात कर रहा है, तो चूहा की बात कर रहा है, ये चूहा दोभा हमें तो मालूम ही नहीं थे, ये तो हमने वहीं से सीखे, ना हमें क्या पता, हमारे तो कुछ शब्द तो नए हैं और कुछ शब्द तो पहले से भी इस्तेमाल ही। तो अभी कोविड 19 में आपने जो काम किया और जो लाखों करोड़ों लोग सड़क पर बिलबिलाते हुए अपने घर द्वार और अपने ठिकानों को छोड़कर चले आए, और उस बीच में आपने जो राहत कार्यक्रम चलाया, किस रूप में चलाया, उस पूरी स्थितियों को, उन हालातों को और अपने कार्यक्रमों को किस रूप में देख रहे हैं? कोविड 19 में जो हालात उत्पन्न हुए, लाखों लोग सड़क पर चले आए, अपने सभी ठिकानों को छोड़कर चले आए, जहां वो काम कर रहे थे, जिस रोजगार से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने हाथ खींच लिया, और उस बीच में गूंज एक सहारा बनकर के, साथी बनकर के, वो लोगों के बीच राहत कार्यक्रम चलाए। उन हालात परिस्थितियों को देखते हुए और गूंज संस्था की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक तो इस बात का बहुत गर्व हुआ कि हम एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करते हैं जिसको आप एनजीओ सेक्टर बोलते हैं, जिसने इस मुसीबत में बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और सारे जोखिम लिए, सब कुछ किया, निकला। तो एक तो इस बात का बड़ा फक्र महसूस हुआ कि हम यहाँ पर हैं। दूसरा, यदि हम अपने काम को देखें तो सच बात तो यही है कि वो ऊँट के मुँह में जीरा है, क्योंकि जितना बड़ा समस्या थी उस हिसाब से तो फिर भी बहुत बड़ा काम किया आपने। हाँ, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं हमने जिंदगी में हम अक्सर ये कहा करते थे कि हमने जो गूंज ने काम किया वो जैसे टेलीकॉम सेक्टर ने ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए पूरे देश में और फिर उसको बहुत तरीके से यूज किया, तो गूंज ने भी एक पाइपलाइन और ग्रिड बिछाने का काम किया पिछले 20 साल के अंदर, जो रिश्तों का ग्रिड है, लोकल नॉलेज का ग्रिड है, लोकल ओपिनियन लीडर्स का ग्रिड है, लॉजिस्टिक्स का ग्रिड है कि आप कहाँ से कहाँ क्या सामान कैसे पहुँचाएंगे, कहाँ पे क्या चाहिए। हमने ज़िंदगी में ये कल्पना नहीं की थी कोई ऐसा समय आएगा जब पूरा का पूरा ग्रिड इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज डिजास्टर एक हिस्से में आता था दूसरे हिस्से से सब कुछ आता था, ये तो सडनली पूरा हो गया। तो हमारा बस ये एक बड़ा सुकून था कि हमारे पास ऑलरेडी वो सिस्टम थे और वो
मटेरियल को, रिश्तों को, लोगों को हैंडल करने का एक 20 साल का तजुर्बा हम लोगों के काम में आया। इसी वजह से हम काफ़ी स्केल कर पाए, मतलब लगभग मेरे ख्याल से 50 लाख किलो के आसपास तो अनाज पे ही काम हुआ है, जो हमने पहले कभी अनाज पे इतना काम नहीं किया था। और उसमें भी कोई कोई 2-2.5 लाख किलो तो हमने फार्मर्स से सब्जियां ली हैं बिल्कुल लास्ट माइल पे। मतलब आप कर्नाटक जाइए, कोलार में लोग किसान जो है वो 50 पैसे किलो पे टमाटर बेचने पे मजबूर थे। बिहार में 400 रुपये क्विंटल पे हरी मिर्च बेच रहे थे, मतलब 4 रुपये किलो, जो बीज का भी रेट नहीं है। बट हमने उसको बिल्कुल वाजिब रेट पे लेके उसी को किट में कन्वर्ट करके गाँव तक पहुँचाना शुरू करा। हमने बिल्कुल लोकलाइज कर दिया था ये सारा काम। तो एज टीम हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे नए प्रयोग किए, बहुत सारे नए संस्थाओं के साथ जुड़े, बहुत सारी नई खूबसूरत संस्थाएं मिली हमें आगे की जर्नी के लिए। तो सुकून तो है हर हाल में कि कुछ काम अच्छा हो पाया। ये अलग बात है कि जो स्केल है पूरे देश में उस चीज़ का, उसमें हमारा क्या रोल रहा। और ये भी सुकून है कि जो पूरा मॉडल 20 साल में हम लोगों का बना था वो एक कारगर मॉडल की तरह से हुआ, कि जहाँ पर हम अपनी अपनी एरोगेंस या गुरूर को लेके नहीं आए और हमने साथी संस्थाओं के साथ में मिलके काम किया, तभी हम देश के बहुत रिमोट इलाकों में पहुँच पाए। और एक और चीज़ है कि जब पूरा देश शहरों पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि सारा डिस्प्लेसमेंट शहरों में दिख रहा था, यदि आप हमारा जो जब कैंपेन लॉन्च हुआ था तो उसका पहला पिक्चर ही ये है कि उसमें लोग चलते हुए दिख रहे थे, तो वो हमें कल्पना थी कि माइग्रेशन होगा, रिवर्स होगा, इतना होगा ये हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। तो उसी समय से हम लोगों ने देश के गाँव में काम करना शुरू किया था। वो हमें सुकून है कि हम उस जगह भी काम कर पाए जहाँ पर लोग माइग्रेट होकर वापस जा रहे थे और जहाँ पर रिसोर्सेज ऑलरेडी कम हैं और लोग बढ़ रहे हैं, तो हम उस जगह पे भी काम कर पाए, वो कहीं ना कहीं सुकून है। बहुत आप तो जो भी काम किए एक प्रेरणादायी काम है, और आज जो है सो देश के कई राज्यों के लिए एक उदाहरण भी बन गया है, कई संस्थाओं के लिए भी एक आप उत्साह भरने का काम किए। अब हमको आप ये बताएं कि देश के युवाओं के लिए आपका क्या अपील होगा, जो युवा आज जिस तरफ जा रहा है उससे समाज कहीं समाज की नींव मजबूत होती हुई दिख नहीं रही है, समाज की जो अपेक्षाएं हैं युवा वर्ग वो रीढ़ है समाज का, लेकिन जिधर जा रहा है वो समाज व्यक्तिगत जीवन की तरफ जा रहा है, आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि COVID-19 ने या इस पूरे कोरोना वायरस ने हमें सीखने का बहुत बड़ा मौका दिया। हमें उसने समझाया कि 3 या 4 टी-शर्ट बहुत होती हैं और उसमें भी आप मजे से जिंदगी जी सकते हैं। शायद युवा वर्ग को ये समझना पड़ेगा कि roti.com बनाने से रोटी नहीं मिलती। ये बहुत आसान है किसी चीज़ को ऑर्डर कर देना और ये सोचना कि टेक्नोलॉजी से हो रहा है, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि वो जिस बर्गर को आप खा रहे हैं वो आलू किसी ने खेत में उगाया, उसको कोई इंसान कहीं से कहीं लाया, फिर किसी ने उसको काटा, फिर किसी ने उसको बनाया और फिर किसी ने उसको डिलीवर किया। तो आपके ऑर्डर करने की प्रक्रिया के अलावा सब कुछ इंसान पर निर्भर था। ये जो प्रक्रिया है ये आपको उस कंप्यूटर और मोबाइल से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। तो युवा वर्ग के लिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि वो समझे कि मतलब वो इन असलियत को जा के देखे, अनुभव करे, तब तो वो उस पर काम कर पाएगा। हम किसी की नियत पे कुछ नहीं बोल रहे, सब अच्छे नियत के इंसान हैं, बट उसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी निर्भरता गूगल पर है और आप ये सोचते हैं कि गूगल पर पढ़कर आपको देश की नॉलेज हो गई या कोई भाषण सुनकर देश की नॉलेज हो गई या व्हाट्सएप के फीड देख के हो गई या वो दुनिया भर के फेक वीडियो देख के हो गई, तो वो तो गलत फहमी है। और युवा को इस देश में और लंबे समय तक जीना है, मतलब जो भी युवा है उसको उसकी ज़िंदगी इस देश में और लंबी है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि आज भी हिंदुस्तान गाँव में बसता है और ये जो लाखों लोग सड़कों पर दिखे थे ये उससे पहले भी शहर में थे, हमें दिखते थे पर हम देखते नहीं थे। तो यदि कोविड ने हमको एक मौका दिया उस वायरस ने देखने का और अपनी सोच को बदलने का, तो हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और कम से कम 1 साल हर हाल में इस देश के गांव में लगाना चाहिए, सड़कों पर बहुत घूमना चाहिए
और बारीकी से घूर के देखना चाहिए, तब हमारे लिए अपने रास्ते खुद ही निकलेंगे और बहुत निकलेंगे। मतलब मैं जब देहरादून से आया था तो देहरादून में उस समय रेड लाइट भी नहीं होती थी। दिल्ली की सड़कों पे जब मैं भटका, बहुत भटका, और अपना कैमरा लेके निकल जाता था, मुझे लगता है कि वो साल दो साल मेरे लिए पहली बार मुझे समझ आया था कि माइग्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है, लोग क्यों गाँव से कंपल्शन में आते हैं। गाँव से निकलने वाला हर एक इंसान बाई चॉइस नहीं निकलता, इच्छा से नहीं निकलता, मजबूरी में निकलता है, पहले मौके पे वापस चला जाता है। और ये कोविड ने प्रूव भी किया कि पहला उसको जैसे ही लगा वो इतना इनसिक्योर था कि एकदम से उठ के चलना उसने शुरू कर दिया था। ये सब असलियत जिन्होंने देखी है और हम सब ने देखी है। मतलब कोविड एक ऐसी चीज रही जिसने एक तरह से हर चीज को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया था। जी, तो यदि देखा है तो उस पर और घूर के देखिए और काम कीजिए, जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे अभी बात कर रहे थे देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अंशु गुप्ता जी, और इन्होंने अपने बेस्ट कार्यक्रमों के बीच सनमार्क लाइव के लिए समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।